थोड़ा शुभम आज पहुंच चुका है द आइकॉनिक बंगला साहब। से चलती आ रही है, उसके पीछे का रीजन यही था, सब मिल बांट कर एकता के साथ एक पंगत में सब लोग खाना खाए। सो हेलो इंडिया, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर सर्विंग द फेमस आइकॉनिक बंगला साहब गुरुद्वारा। थोड़ा शुभम आज पहुंच चुका है द आइकॉनिक बंगला साहब। लेकिन ये पहले किसी का बंगला हुआ करता था, ये बंगला पहले जयपुर के महाराजा जय सिंह का बंगला हुआ करता था। इन 1664 सिख एट गुरु हरिकिशन जी केम हियर फर्स्ट टाइम। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा महामारी चल रही थी, कोविड जैसी महामारी उस टाइम पे चल रही थी, तो यहाँ पर एक कुआ हुआ करता था। उस कुएँ का पानी पिलाकर काफ़ी लोगों की बीमारी ख़त्म हो रही थी। तो गुरु हरिकिशन वो जेल सबको बांटते रहे, मेडिसिन बांटते रहे, और बीमारी जब ख़त्म हुई तब महाराजा ने ये बंगला सिख एट गुरु हरिकिशन जी को भेंट कर दिया था। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। उसे लंगर के बारे में बहुत एक सुंदर कहानी है। जब 12-13 साल के थे, जब उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये दिया और कुछ बोला कि कुछ बढ़ा के लेके आ जाओ, कुछ अच्छा करके आ जाओ। गुरु नानक जी चले गए मार्केट और वहाँ पर कुछ साधु लोग बैठे थे, भूखे पैसे बैठे थे, तो उन्होंने वो 20 रुपये लेके गए और उनके लिए वो खाना लेके आए और उनको बांट दिया। जब वो पिताजी के पास चले गए तो पिताजी ने पूछा, पिताजी ने कहा, हे भैया ये क्या कर दिया तुमने, मैंने तो 20 के 40 रुपये करने के लिए कहा था। तो गुरु नानक जी ने कहा, पिताजी आपने सच्चा सौदा करने के लिए कहा था, वही कर दिया। हक हक अगा गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। गुरुद्वारा में जरूरतमंद की सेवा की जाती है। जब पिछले 2 साल पहले पाकिस्तान में भी बाढ़ आई थी, वहाँ पर भी गुरुद्वारे से ही वहाँ पर लंगर जा रहा था, खाना जा रहा था। जहाँ पर भी जरूरतमंद लोग नजर आते हैं, वहाँ पर गुरुद्वारे के रास्ते खुल जाते हैं। गुरु नानक जी ने कहा था, जात पात ऊंच नीच से भी बड़ा भूख होती है, तो जिसको भी भूख है उसको खाना खिलाओ, और यही पहले सिखों का धर्म है। चलते चलते एक खबर आ गई थी, थे 50 रुपये में भी MRI पहली बार यही शुरू हुआ था, इसी बंगला साहब में शुरू हुआ था। तो चलते चलते खबर आई थी तो मुझे लगा ब्रेकिंग न्यूज़ देनी ज़रूरी है आपको। वो आखिरी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, मैं थोड़ा सा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपसे विदा लूँगा। यहाँ पर सस्ती दवाइयाँ भी मिल जाती है, तो अगर किसी को दवाई चाहिए
तो गुरुद्वारा आकर ये दवाई ले सकते हो। तो इसी के साथ सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।